बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कंसल्ट, डिसाइड एंड बाय सीडीबी प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं उसामा सईद। व्यूअर्स, आपको आइडिया है कि न्यू लाहौर सिटी के डिफरेंट फेजेस हैं। इन डिफरेंट फेजेस के अंदर आपको आगे डिफरेंट ब्लॉक्स भी मिलते हैं, लेकिन हर सोसाइटी में डिफरेंट ब्लॉक्स में डिफरेंट फेजेस में कुछ ऐसे ब्लॉक्स होते हैं जहाँ पर एक तो ऑक्यूपेंसी रेट बहुत ज़्यादा होता है, प्लस वहाँ पर प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू भी जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है, और वो ब्लॉक भी उस पूरे के पूरे फेज़ का वो हार्ट बन चुका होता है, क्योंकि वहाँ पर उसकी फैसिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा मिल रही होती हैं, प्लस वहाँ पर जो ऑक्यूपेंसी रेट है वो ज़्यादा इतना हुआ होता है, और उनकी प्रॉपर्टीज़ के ज़्यादा हाई रेट होने की वजह से इन्वेस्टर्स का भी वहाँ पर रुझान होता है कि वहाँ पर वो इन्वेस्ट करें और फ्यूचर के अंदर एक अच्छा प्रॉफिट भी वहाँ पर अर्न कर सकें। इसी तरह से आज हम बात करेंगे न्यू लाहौर सिटी के फेज़ टू के बी ब्लॉक के बारे में। यहाँ पर अगर ऑक्यूपेंसी रेट की बात की जाए वो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा है, घरों की कंस्ट्रक्शन की बात की जाए माशाल्लाह से वो भी दिन ब दिन इंक्रीज़ ही होती जा रही है, और जो पहले से भी जो कंस्ट्रक्टेड होम्स है वहाँ पर भी लोग रह रहे हैं, उनको यहाँ पर किसी भी किस्म की सिक्योरिटी का भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि न्यू लाहौर सिटी आपको एक अच्छी सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती है। व्यूअर्स, आज इस वीडियो में हम आपके साथ एक 3 मल्ले का ब्रांड न्यू घर लेकर आए हैं, आपको पूरे का पूरा ये घर विज़िट करवाएंगे, इसके अंदर से प्लस बाहर से इसकी एलिवेशन तमाम तर आपको इसकी चीज़ें जो है वो कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर आपको दिखाएं। और उसके बाद अगर आपके मज़ीद कोई भी क्यूरी होती है, अगर आप इस घर के अंदर इंटरेस्टेड भी हैं, तो आप हमारे नंबर से रब्ता करके हम आपको इसका प्रॉपरली विज़िट भी करवा कर आपको पूरे का पूरा ही घर दिखा भी सकते हैं। सबसे पहले व्यूअर्स, आप इस घर का फ्रंट एलिवेशन आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा कि माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन इसका फ्रंट एलिवेशन है। जो इसका 3 मल्ला की कटिंग है उस लिहाज से ये बहुत ही इसकी कंस्ट्रक्शन भी फिट बैठ रही है। इसका आप गेट देखें वो भी एक अच्छा गेट भी डिज़ाइन किया गया है, और इसकी एलिवेशन भी बेहतरीन है। एलिवेशन के बारे में व्यूअर्स, हम आपको इसके अंदर से भी इसको विज़िट करवाते हैं, गैराज के अंदर कितनी इसकी फ्री स्पेस है, प्लस इस घर के अंदर से इसको किस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है और बनाया गया है। तो व्यूअर्स, इस टाइम मैं इसके 3 मल्ला के ब्रांड न्यू घर के गैराज के अंदर मौजूद हूँ। ये आप गैराज भी देख सकते हैं कि माशाल्लाह से एक अच्छी फ्री स्पेस दी गई है यहाँ पर, काफ़ी सारी अगर आप बाइक भी अगर उसकी भी पार्किंग करें तो भी अच्छी खासी बाइक्स यहाँ पर आ सकती हैं। अगर हम एक छोटी गाड़ी की भी बात करें तो वो भी यहाँ पर ईजिली पार्क की जा सकती है। इसके साथ ही व्यूअर्स, यहाँ पर एक छोटी सी गली दी गई है, वो वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए भी उसके साथ विंडो दी गई हुई है कि इस घर को अगर एरी मतलब कि हवा की भी ज़रूरत हो वेंटिलेशन के लिए, तो वो व्यूअर्स बड़ी एक अच्छी यहाँ पर डिज़ाइन की गई है। तो इसके अगर मेरे आप सामने भी अगर आप देखें तो 3 डोर्स इस वक्त आपको नज़र आ रहे होंगे। एक जो ये जो आपको छोटे वाला डोर नज़र आ रहा है, ये इसकी सेपरेट एंट्रेंस दी गई है अगर आप ऊपर फ्लोर की तरफ आप जाना चाह रहे हैं। उसके बाद सेंटर में ये इसके ग्राउंड फ्लोर की तरफ है, और ये जो इसके जो राइट साइड पे मेरे आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल इसके ड्राइंग रूम की तरफ है। अगर आप कोई भी आपके गेस्ट वगैरह आते हैं तो आपको उन गेस्ट को पूरे घर से ले जाने के बजाय आप उनकी सेपरेट यहाँ पर उनकी एंट्रेंस करवा सकते हैं। अगर कोई भी इन्वेस्टर भी इस घर को परचेज़ करना चाह रहा है तो वो भी इस घर को परचेज़ कर सकता है, और ऊपर नीचे इसको रेंटल पर्पज़ के लिए अगर देखा जाए कि सेपरेट एंट्रेंस है और उसको वो रेंट आउट भी कर सकता है, ग्राउंड फ्लोर को अलग से और ऊपर वाले फ्लोर को वो अलग से इसको रेंट आउट कर सकता है। तो इन्वेस्टर के लिए भी ये बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो इस घर को परचेज करके इसको अच्छी एक रेंटल इनकम भी जनरेट कर सकता है। तो व्यूअर्स, गैराज के बाद चलते हैं इस घर के अंदर इसके ग्राउंड फ्लोर की तरफ। तो व्यूअर्स, मैं इस वक्त इसके ग्राउंड फ्लोर के ऊपर मौजूद हूँ। जैसे ही आप यहाँ से एंटर होंगे, आपको पहले एक इसका मास्टर बेडरूम मिलता है, नीचे ग्राउंड फ्लोर पर इसके एक जस्ट 1 बेडरूम दिया गया है। इसके साथ ही इसका अटैच वाश भी है, इसकी आप ओवरऑल सीलिंग का डिज़ाइन भी आप देख सकते हैं, साथ ही इसमें विंडो भी दी गई है। वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए सीलिंग के डिज़ाइन की बात करें वो माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन इसका सीलिंग का डिज़ाइन है, और साथ ही आपको यहाँ पर कबर्ड्स भी मिलते हैं, तो वो भी बड़ी एक अच्छी स्लाइडिंग डोर्स दिए गए हैं कबर्ड्स के अंदर। तो मतलब कि आप आइडिया लगा सकते हैं कि एक यूनिक आइडिया के साथ ही यहाँ पर इसकी जो कबर्ड्स भी बनाई गई हैं, प्लस अगर आप इसके वॉशरूम को भी आप देखें तो वॉशरूम भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। इसका सीलिंग का डिज़ाइन भी बहुत ही बेहतरीन है, और यहाँ पर जो एक्सेसरीज भी यूज़ की गई हैं वो भी अच्छी क्वालिटीज़ की यूज़ की गई हैं। फर्स्ट बेडरूम के विज़िट के बाद व्यूअर्स, हम चलते हैं इसके किचन की तरफ। आप इसका किचन भी देख सकते हैं कि किचन भी बिल्कुल इसके ग्राउंड फ्लोर पे ही है, और इसके साथ ही आपको पीछे इसका टीवी लाउंज भी मिलता है। किचन के अंदर भी व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि वुड वर्क माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा किया गया है, और यहाँ पर भी अच्छे कैबिनेट्स बनाए गए हुए हैं। जो भी आपने यहाँ पर चीज़ें वगैरह जो भी किचन के अंदर जो भी रोज़मर्रा की ज़रूरियात रखने के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा इनफ यहाँ पर स्पेस दी गई है। इसका भी सीलिंग डिज़ाइन बहुत ही बेहतरीन है, और ये साथ ही आपको इसके किचन के साथ ही आपको पीछे इसका लॉबी का एरिया मिलता है, जहाँ पर आप अपने जो भी वॉशिंग वगैरह करने हैं क्लॉथ की, और वो आप इजीली यहाँ पर कर सकते हैं। इस किचन के विज़िट के बाद व्यूअर्स, चलते हैं हम इस ग्राउंड फ्लोर के
टीवी लॉन्च की तरफ। व्यूअर्स, ये आप टीवी लॉन्च भी आप देख सकते हैं कि टीवी लॉन्च भी काफ़ी इस तीन मल्ला की अगर बात की जाए कि तीन मल्ला की कटिंग के लिहाज से टीवी लॉन्च भी काफ़ी ह्यूज स्पेस दी गई हुई है। और इस टीवी लॉन्च की भी साथ आपको यहाँ पर विंडो मिलती है कि पूरी की पूरी इस, जैसे मैंने आपको बताया कि वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए भी जो विंडोज़ दी जाती हैं और इसमें ख़ास ख्याल रखा गया इस चीज़ का भी कि पूरे के पूरे घर को वेंटिलेशन के लिहाज से किसी भी किस्म का कोई भी इशू ना फेस करना पड़े। तो इसकी भी आप सीलिंग का डिज़ाइन आप देख सकते हैं कि बहुत ही बेहतरीन इसका भी सीलिंग का डिज़ाइन है। और प्लस यहाँ पर ये जो इसकी जो डिफरेंट कलर की जो वॉल डिज़ाइन की गई है, ये भी एक डिफरेंट थीम बेसिकली बनाया गया है कि आपको ये घर एक बहुत ही खूबसूरत आपको ये घर लगे। सो व्यूअर्स, ग्राउंड फ्लोर के बाद हम चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ। सो व्यूअर्स, ग्राउंड फ्लोर के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि आपको फर्स्ट फ्लोर विजिट करवाते हैं, फर्स्ट फ्लोर में इस वक्त मैं टीवी लॉन्च में इसके मौजूद हूँ। इसके साथ ही आपको फर्स्ट फ्लोर का किचन मिलता है और इस किचन के सामने ही आपको फर्स्ट फ्लोर का भी आपको एक बेडरूम मिलता है। उससे पहले आप ये किचन का भी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वुडवर्क किया गया है, उसके बाद इसकी सीलिंग का डिज़ाइन भी आप देख सकते हैं और यहाँ पर एक LED पॉइंट दिया गया है इस जो ऊपर फर्स्ट फ्लोर का जो टीवी लॉन्च है वो भी आप देख सकते हैं कि कितना एक अच्छा और खूबसूरत तरीके से इसको भी डिज़ाइन किया गया है। अब व्यूअर्स, चलते हैं इसके मास्टर बेडरूम की तरफ जो कि फर्स्ट फ्लोर का है। व्यूअर्स, ये भी आप देख सकते हैं फर्स्ट फ्लोर का मास्टर बेडरूम है। इस यहाँ पर भी बड़ा बेहतरीन सीलिंग का डिज़ाइन किया गया है। इसमें जो टाइल वर्क किया गया वो भी बड़ी बेहतरीन यहाँ पे टाइल्स इंस्टॉल की गई हैं। प्लस यहाँ पर जो इसकी जो कबर्ड्स हैं वो वहाँ पर भी आपको स्लाइडिंग डोर्स मिलते हैं, बड़ी बेहतरीन आपको इसकी कबर्ड्स बनाकर दी गई हैं। प्लस इसका जो आपको वॉशरूम मिलता है अटैच बाथ है, वहाँ पर भी आपको अच्छी टाइल्स आपको देखने को मिलती हैं। जो उसके बाद यहाँ पर जो भी एक्सेसरीज इंस्टॉल की गई हैं वो भी आपको अच्छी क्वालिटी की लगा कर दी गई हैं। सो व्यूअर्स, अपने फर्स्ट फ्लोर के विजिट के बाद आपको एक और भी यहाँ पे चीज़ दिखाऊंगा जो कि फर्स्ट फ्लोर पे आपको दी गई है। अगर आप अपने फ्री टाइम में कॉफ़ी वगैरह कुछ ओपन स्पेस में आप जाके पीना चाह रहे हैं तो वो व्यूअर्स यहाँ पर एक छोटा सा टेरेस भी दिया गया है इस तीन मल्ला के घर के अंदर, वो भी व्यूअर्स मैं आपको विजिट करवाता हूँ। ये व्यूअर्स इसका फर्स्ट फ्लोर का टेरेस भी है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक अच्छी स्पेस दी गई है यहाँ पर। अगर आप अपने फ्री टाइम में अगर आप ओपन स्पेस में भी आप जाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर इजीली आके यहाँ पर बैठ सकते हैं। फ्रंट व्यू की बात करें तो वो बड़ी बेहतरीन फ्रंट व्यू भी आता है। वेलकम बैक व्यूअर्स, आपको आइडिया हो गया होगा कि मैंने जो आपको पूरा घर विजिट करवाया है माशाल्लाह से कितना अच्छा और खूबसूरत तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। अगर हम वेंटिलेशन की बात की रहे हैं तो उसका भी खास ख्याल रखा गया है। तो व्यूअर्स, अगर मैं आपको इस घर की डिमांड की बात करता हूँ तो व्यूअर्स 85 लाख इसकी डिमांड की जा रही है। जैसे व्यूअर्स मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि जितनी यहाँ पर प्लॉट की प्राइस हो चुकी है प्लस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जितनी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती चली जा रही है, उस लिहाज से आपको ये घर बहुत ही मुनासिब प्राइस के ऊपर आपको मिल रहा है। प्राइस इसकी निगोशिएबल है, आप हमारे नंबर से रब्ता करके इंशाल्लाह आपको हम ये बेस्ट प्राइस के ऊपर ये घर जो है वो अरेंज करवा कर दे सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए व्यूअर्स आप मेरे स्क्रीन पे दिए मेरे नंबर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपके टाइम का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।